हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन खुद से आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यदि आप अपने प्रोडक्ट का कोई नाम, सिम्बॉल या लोगो को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं ताकि वह नाम, सिंबल या लोगो और कोई यूज़ नहीं कर पाए, एज अ एक ब्रांड आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको अपने ट्रेडमार्क का, लोगो का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। यदि आप एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस 4500 गवर्नमेंट फीस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि हम ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन खुद से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही यह सारी प्रोसेस करनी है, क्योंकि जो आईपी इंडिया की वेबसाइट है या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, वो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही काम करेगी, क्रोम पे या मोजुला पे काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको www.ipindiaonline.gov.in की वेबसाइट को ओपन करना है। तो चलिए ओपन करते हैं। जैसे ही आप www.ipindia.online.gov.in को आप पुट करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखेगा। आपको ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क पर क्लिक करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आपके ट्रेडमार्क की सर्च रिपोर्ट निकालना है। वो भी कैसे निकालना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सर्च रिपोर्ट निकालने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है आईपी इंडिया, ऐसा आपको टाइप करना है। आईपी इंडिया आप टाइप करोगे तो ट्रेडमार्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईपी इंडिया पब्लिक सर्च पे आपको जाना है। अब डायरेक्टली आईपी इंडिया पब्लिक सर्च भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके जो भी जो भी आपका वर्ड मार्क है वहाँ पे लिखना है, जो भी वर्ड है वो लिखना है। क्लास आपको देखना है किस क्लास के अंदर वो आता है, और आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। यदि ये ऑलरेडी किसी के नाम पे होगा तो आपको यह नाम मिलेगा नहीं। यदि यह नाम मैं ये सर्च करता हूँ कोई अलग, तो ये नहीं है, आपको ऐसा आना चाहिए। तो आप सबसे पहले सर्च कर लीजिए कि आपका जो भी आप ट्रेडमार्क लेने वाले हैं, जो भी लोगो रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं, उसके जो वर्ड है, जो भी आप लेने वाले हैं, यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट कर लीजिए कि वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड तो नहीं है। अब आप बोलेंगे क्लास आप कैसे देख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास आप कैसे देख सकते हैं। तो ट्रेडमार्क की जो क्लासेस है वो भी आपको आईपी इंडिया की वेबसाइट से मिल जाएगा, ipindia.gov.in ऑनलाइन, ये TMPR पब्लिक सर्च क्लासिफाइड गुड, या आप गूगल पे डायरेक्टली भी डालेंगे कि ट्रेडमार्क क्लासेस करके, तो आपको मिल जाएगा। आपको ये रीड आउट करना है, आपका नेम, सिंबल या लोगो या प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में आता है आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसमें 35 से 45 जो है सर्विस कैटेगरी है, और 1 to 34 जो है ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और अदर कैटेगरी है। राइट, तो यहाँ पे आपको ये सर्च आउट करना है, यहाँ से सर्च रिपोर्ट आपकी निकल जाएगी। राइट, अभी जिस चीज़ का मैं कर रहा हूँ, आप देखिए, बुक माई रजिस्ट्रेशन एक सर्विस क्लॉज है, उसका क्लास नंबर है 35, सर्च रिपोर्ट में निकालता हूँ उसका। तो आप देखिए कि ये किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डायरेक्टली इस क्लॉज से और मेरे जो वर्ड है उसको मैं डायरेक्टली रजिस्टर्ड कर सकता हूँ। तो अब वापिस हम चलते हैं आईपी इंडिया की वेबसाइट पे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको डिजिटल सिग्नेचर जो है क्लास 2 लगने वाली है या क्लास 3 लगने वाली है। जिस भी आप इंडिविजुअल का या कंपनी का निकाल रहे, तो डायरेक्टर का, पार्टनर्स का निकाल रहे, तो पार्टनरशिप फॉर्म का निकाल रहे, तो पार्टनर्स का क्लास 2 का या क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जब जाएंगे तो आप ट्रस्टेड साइट में ये ऐड कर दीजिएगा। पहले तो जाके यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शंस में जाके, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके ट्रस्टेड साइट में ऐड कर दीजिएगा। राइट, ऐड करने के बाद जैसे ही आप आईपी इंडिया पे जाओगे ना रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसा कुछ विंडो आपको आएगा। राइट, और इसके बाद आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो न्यू यूज़र साइन अप आपको करना पड़ेगा। उससे पहले आप डिजिटल सिग्नेचर का सेटअप आपको करना होगा। तो आप कंपोनेंट जो कैपिकॉन जो है आपको ये डाउनलोड करके
इसको इंस्टॉल कर लेना है, और कुछ समझ नहीं आता तो डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल में आप जाके इसको मैनुअल को चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आपके सिस्टम को आपको बनाना है, जैसे 32 बिट का सिस्टम चाहिए, जावा अपडेट चाहिए, सारी डिटेल आपको डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल पे मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके पहले ट्रस्टेड साइट में ऐड करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और एक कंपोनेंट को डाउनलोड करना है और अपना डिजिटल सिग्नेचर को लगा के रखना है। अब यदि आप पहले आपने फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है, और ये देख लीजिए यहाँ लिखा है प्रोक्योर अ क्लास 3 और क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर फॉर्म एनी ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी इंस्टॉल सेमिनी और कंप्यूटर, है ना। तो यहाँ से भी आप साइनिंग कंपोनेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल में जाके आप पढ़ के इसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन में। कुछ नहीं समझा तो हेल्प डेस्क का पीछे पे, यदि कुछ नहीं समझा तो हेल्प डेस्क का यहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है, आप हेल्प डेस्क पे ही मेल कर सकते हैं। अब सबसे पहले एप्लीकेंट टाइप पे आपको सेलेक्ट करना है, आप प्रोपराइटर है, एजेंट है या अटॉर्नी है। हम प्रोपराइटर सेलेक्ट करते हैं लाइक और आपका कोड आपको पहले जनरेट करना पड़ेगा। तो कैसे जनरेट करेंगे, यहीं पे सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप प्रोपराइटर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। सबमिट, सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी इस नाम पे कुछ लोगों के कोड जनरेटेड है। ये आपको फिर से जनरेट, ये आप इसमें तो नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी जनरेट, तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करने पे आपको सेलेक्ट प्रोप्राइटर कैटेगरी आ जाएगा। यदि आप प्रोप्राइटर हैं तो सिंगल फॉर्म आएगा, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म, ज्वाइंट फॉर्म है तो ज्वाइंट फॉर्म, HUF है तो HUF, बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेट सोसाइटी ट्रस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइंट एप्लीकेशन LLP है, या आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या स्टेचुटरी बॉडीज है, तो यहाँ पे से आपको सेलेक्ट करना है। आप प्राइवेट लिमिटेड है, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिंगल प्रोप्राइटर सेलेक्ट करता हूँ, राइट, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, आप एड्रेस लिख दीजिए, जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको वो कोड आपको मिल जाएगा। उस कोड को आपको यहाँ पे इंटर करना है और प्रोसेस की बटन में क्लिक करना है, राइट। अब प्रोसेस करने के बाद आपको प्रोप्राइटर का कोड दिखेगा और आपका नाम दिखेगा। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी है, डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पर लगा देना है। इससे पहले आपको जो मैंने बताया, जो डिजिटल सिग्नेचर का सेटअप आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है वो बता दिया हूँ। TSC क्लास 2 या क्लास 3 की होनी चाहिए, राइट। और जो www.ipindiaonline.gov.in है वो आपको ट्रस्टेड साइट में जाके ऐड करना है, जो मैंने आपको बताया था। इंटरनेट ऑप्शन, ऑप्शंस में जाके सिक्योरिटी में जाके ट्रस्टेड साइट में वो ऐड करना है, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। अब ऐड डिजिटल सिग्नेचर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका डिजिटल सिग्नेचर आपको दिख जाएगा। ओके के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर ऐड हो गया, आपको दिख जाएगा एक्सपायरी डेट, है ना, सीरियल नंबर और होल्डर का नेम। अब आपको आपका यूज़र आईडी यहाँ पे चेक करना है कि अवेलेबल है या नहीं है, राइट। जो भी आप रखना चाहते हैं अवेलेबल है, आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं जो आपको रखना है। यह सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करना है, जो भी यूज़र नेम रखना है वहाँ पे यूज़र नेम अवेलेबल का ऑप्शन आना चाहिए, जो भी पासवर्ड रखना है वो आपको अपना जो पासवर्ड रखना है वो रखना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आएगा स्क्रीन पे, यूज़र हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड द डिटेल ऑफ द यूज़र अकाउंट विल बी ईमेल टू रजिस्टर मेल आईडी फॉर फ्यूचर। तो आपके मेल आईडी पे भी ये मेल आया होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड का फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हम ओके पे क्लिक करेंगे, अब ये वेबसाइट रिडायरेक्ट होकर लॉगिन पे जाएगी। अब हमारा लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी जो बनाया है उससे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, जो भी यूज़र आईडी हमने बनाया उससे, तो क्या था, वेलकम आपका नाम आएगा, आपका नंबर आएगा, ठीक है, कोड नंबर,
वेलकम टू कॉम्प्रेहेंसिव ऑनलाइन ट्रेडमार्क। अब आप नोट कर लीजिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू फॉर्म फाइलिंग पे क्लिक करना होगा, फाइल TMA, फॉर्म नंबर फाइल TMA आपको फाइल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहे हैं, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, स्टार्टअप और स्मॉल इंटरप्राइजेस आदर। हम इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी सेलेक्टेड है ट्रेडमार्क अप्लीकेशन, ठीक है। अब आपने क्लास ऑलरेडी वहाँ पे चूज़ कर रखा है, आपको पता है, नहीं भी किया है तो यहाँ से भी आप क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्लास में आपका प्रोडक्ट लोगो आता है, राइट। अब मैं यहाँ पे 35, मैंने ऑलरेडी, मुझे पता था मेरा 35 है, तो मैं सबमिट करूँगा। आप भी पहले ही अपने क्लास को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। अब एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो गया है TMA। तो पहला है फॉर्म डिटेल, टेम्प्रेरी आईडी नंबर, ये नोट करके रख लीजिए, ये काम आएगा आपको आगे, क्योंकि आप वापस से यदि इसको सेव करेंगे तो नंबर बार बार जनरेट होता है। क्लास 35 आ गया हमारा। एंड एप्लीकेशन, नेचर ऑफ एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क आ गया, यहाँ पे नाम आ गया। अभी आपको यहाँ पे एडिट करना ज़रूरी है, तभी आपका ये ब्रांच नाम यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम ये एप्लीकेशन डिटेल में एडिट के ऑप्शंस में जाते हैं, और एडिट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टेट नॉट स्पेसिफाइड को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। स्टेट वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे आपका ब्रांच नेम नहीं दिख रहा है। कैटेगरी अदर्स इंडिया, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। लीगल स्टेटस में आप क्या करिए, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लिखना है, क्योंकि आप प्रोप्राइटर के लिए कर रहे हो, राइट। यदि कोई कंपनी का करते होंगे तो इंडिविजुअल डायरेक्टर की डिटेल यहाँ पे आती है, तो डायरेक्टर आपको यहाँ लीगल स्टेटस इंडिविजुअल लेके अपडेट कर देना होगा। जैसे ही अपडेट करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रांच नेम ज्यूरिडिक्शन मुंबई आ गया, राइट। अब यहाँ पे ट्रेडमार्क, यहाँ पे कैटेगरी ऑफ मार्क वर्ड ही रहने देंगे आप, राइट। कोई कलर है, डिवाइस है, सेफ ऑफ गुड है, साउंड मार्क है, या ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन है, वर्ड ही रखेंगे, राइट। और ट्रेडमार्क, यहाँ पे ट्रेडमार्क का आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करने वाले वो लिखना होगा, जैसे मेरा ये है, ये मैंने लिख दिया है, राइट। यदि इफ़ द मार्क इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश के अलावा कुछ लैंग्वेज में ये है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना होगा, तो हमारा नहीं है इसलिए हम उसको कुछ नहीं करेंगे। कंडीशन और लिमिटेशन को डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। अब जो क्लास ऑफ गुड और सर्विसेज है, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपडेट करने का ऑप्शन दे रहा है ना, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन इसका डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए उस क्लास का, आपको यहाँ पे लिखना होगा, राइट। और उसके बाद आपको अपडेट करके क्लिक करना होगा, राइट। अपडेट करेंगे तो यहाँ पे लिख के वो आ जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट टू बी यूज ऑफ मार्क, प्रपोज टू बी यूज है या ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ कर रहे होंगे तो कब से आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखना होगा। प्रपोज टू बी यूज है तो आपको प्रपोज टू यूज में क्लिक करना होगा, राइट। अब एनी अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट कुछ देना तो आप यहाँ दे सकते हैं। अब सेव और एग्जिट करेंगे तो आपको ये यहाँ से बाहर निकाल देगा। सेव और रिज्यूम करेंगे तो वहीं पे रखेगा। आप प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, डिजिटल साइन इन सबमिट कर सकते हैं, डिस्कार और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, है ना। तो हम सेव एंड रिज्यूम पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ताकि ये सेव हो जाए, ठीक, क्योंकि हमको एग्जिट नहीं होना है। तो ये देखिए, ये हमारा सेव हो गया है। अब हम प्रीव्यू देखने की ट्राई करते हैं। ये प्रीव्यू हमारा आ रहा है, यहाँ पे चेकआउट कर ले सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही होना चाहिए, राइट। अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। वैसे तो इंडिविजुअल केस में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दी हुई है जो रिलेवेंट है, आपको वो सेलेक्ट करना है। लेकिन इंडिविजुअल केस में आप आदर्श में जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आप लोगो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उसको भी आपको यहाँ अपलोड करना होगा। अब हम इंडिविजुअल हैं इसलिए हम अदर सेलेक्ट कर रहे हैं। यदि हम सपोज पार्टनरशिप फॉर्म होते तो यहाँ पे स्पेसिफिक पार्टनरशिप फॉर्म का नहीं दिया है, लेकिन अथोराइजेशन डॉक्यूमेंट POA ये सेलेक्ट करके, अथोराइजेशन लेटर अदर सेलेक्ट करके, आधार कार्ड, पैन कार्ड
एमएसएमई सर्टिफिकेट और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसे कंपनी की इसमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आप देना होगा, कंपनी का पैन देना होगा, साथ में आपको ये एमएसएमई का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, राइट। डायरेक्टर के केवाईसी आपको देने होंगे, अथोराइजेशन लेटर आपको देना पड़ेगा जो पर्सन साइनिंग अथॉरिटी है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे इंडिविजुअल है इसलिए अदर सेलेक्ट करते हैं, ब्राउज करते हैं और डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ फॉर्म में होना जरूरी है। यदि पीडीएफ फॉर्म में नहीं होगा तो यहाँ लेगा नहीं, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में वो कन्वर्ट कराना होगा, राइट। नाउ तो इंडिविजुअल केस में आप यहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी आपका लोगो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। ये आपने लगा दिया, अपलोड पे क्लिक किया और जैसे ही आपका ये हो जाता है तो आप डन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन आपका यहाँ पे हो गया। अब आप चाहें तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, राइट। ये अटैचमेंट आपके लगा दिए हैं, ये पढ़ सकते हैं आप। आपको क्या करना है, डिजिटली साइन इन सबमिट पे क्लिक करना है, राइट। सेलेक्ट टू साइन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर आपका ये है, आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, फ्यूचर में ये काम आएगा। चाहे तो आप यहाँ से भी प्रीव्यू देख सकते हैं, सेलेक्ट टू साइन पे क्लिक करिए, ठीक है, एंड क्लिक टू साइन पे क्लिक करिए, ये डिजिटल सिग्नेचर आपका दिख गया, ओके का बटन क्लिक करिए, ओके। अब पासवर्ड आपका डिजिटल सिग्नेचर का जो पासवर्ड है वो आपको पुट करना है। डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, रिडायरेक्ट होंगी साइट, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मैसेज आएगा, साइन डेटा सक्सेसफुली स्टोर ऑन द सर्वर्स। अब आपको चेक करना है कि अब ये एप्लीकेशन तो आपका सबमिट हो गया, अब आपको करना है पेमेंट। पेमेंट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेमेंट पे, मेक पेमेंट पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट में जाएंगे, ये आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन दिख रहा है मुंबई, आप चाहें तो यहाँ से भी प्रीव्यू कर सकते हैं यदि कुछ चीज़ चेंजेस करनी हो तो। प्रीव्यू देखने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और मेक पेमेंट आपको करना है, राइट। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप मेक पेमेंट, ये 4500 का पेमेंट आपको दिख रहा है, एग्रीड पे क्लिक करना है, मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट के ऑप्शन आपको क्या क्या अवेलेबल है। अब जो पेमेंट है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ये समथिंग, आप क्या कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन तो सबमिट हो गया, आप ये एप्लीकेशन नंबर लिख के इसी को आपको क्रोम पे लॉगिन करना है वापस से जाके, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं अभी क्रोम पे लेके जा रहा था। वापस से जाके आपको गूगल में लॉगिन करना है, गूगल क्रोम में, क्योंकि वहाँ से पेमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा मैसेज आया कि उन्होंने पेमेंट के लिए एक नया पोर्टल बनाया है, तो मेक पेमेंट में जाना है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन तो सबमिट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन जो पेंडिंग पेमेंट दिख रही है यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से जाके आप क्लिक करके मेक पेमेंट आपको करना होगा। यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद जो चालान जनरेट होगा उसे आपको सेव करके रखना होगा, राइट। आपको जो आपने जो फॉर्म फाइल किया है उसकी हिस्ट्री देखने के लिए आपको फाइलिंग हिस्ट्री पे जाना होगा। यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म है आपको डेट डालनी होगी, सबमिट करना होगा और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है और अप्रूव हुआ है नहीं, यहाँ पे आपको स्टेटस दिखेगा। यूजुअली 90 से 120 डेज के बिटवीन यहाँ अप्रूवल आपको मिलता है। यदि कोई क्यूरी आती है तो भी आपको यहीं से चेक करना होगा और एप्लीकेशन का अप्रूव स्टेटस आपके मेल आईडी पे भी जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।